सिमी आतंकियों की गतिविधियों को लेकर पुलिस विभाग ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजी है। वहीं संभागायुक्त ने इस तरह की घटनाओं के चलते प्रशासन को सतर्कता बरतने की बात कही है। इंदौर संभाग के कुछ जिले सिमी से ऐसे संगठनों के केंद्र माने जाते हैं, जिसे लेकर अब इंदौर संभाग में विशेष रूप से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों संभाग के कुछ जिलों में रैलियों के दौरान हुए पथराव के बाद संभागायुक्त ने जिलों के प्रशासन को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की बात कही है। सभी जिले के जिलाधिकारियों को बोल दिया है कि शौर्य यात्रा अगर परंपरागत रूप से नहीं मनाई जाती है तो उसकी अनुमति न दें। अगर परंपरागत रूप से कोई पहले से मनाई जाती रही है तो बात है, और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में खुद स्वयं समीक्षा करके सुनिश्चित ना हो जाए कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां नहीं बनेंगी, तब तक के लिए उन सबको मना किया गया। वहीं एडीजी ने रिपोर्ट को लेकर इसे विभाग की रूटीन कार्रवाई बताया। एडीजी विपिन माहेश्वरी के मुताबिक समय समय पर विभाग इस तरह की रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें जरूरी जानकारी होती है। ये हमारा एक नियमित प्रोसीजर है जिसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं, और इस प्रकार की जब कोई सूचना आती है तो उस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाती है, और जो कार्रवाई है या रिपोर्ट है वो मेरा ख्याल प्रेस में तो हम बताने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन ये हमारी एक नियमित प्रक्रिया और हम लोग करते हैं। प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह और आगामी सिंहस्थ को लेकर एडीजी ने पुलिस विभाग को जरूरी निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ और गणतंत्र दिवस के दौरान एडीजी ने अलर्ट जारी करने की बात कही है। विशेष सब पे जो इस प्रकार के तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर विशेष निगाह रखी जाती है, और 26 जनवरी पे थोड़ी अलर्टनेस और बढ़ जाती है। इस तरह आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने अपना खुफिया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में पुलिस विभाग इस तरह के संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।